वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आज हम बात करेंगे ऐसे प्रोसेस की जिसकी वजह से लाइफ मेंटेन्ड है अर्थ पर, एंड दैट प्रोसेस इज रिप्रोडक्शन और प्रजनन। हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, या जीव जनन कैसे करते हैं। बट टॉपिक को फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट टू हैव अ टॉक विद यू ऑल पीपल। यू ऑल नो दैट द टफ टाइम इज गोइंग ऑन। कोरोना अभी भी खत्म नहीं हुआ है, ये वायरस अभी भी हवा में है, एंड वी आर फेसिंग मैनी चैलेंजेस एंड स्ट्रगल्स। बट हमारे हाथ में क्या है? वैक्सीन बन चुकी है, ट्रायल्स आर गोइंग ऑन, एंड इट इज कमिंग आउट टू बी इन द मार्केट इन नेक्स्ट फ्यू डेज। बट ये कब हमें अवेलेबल होगी और इससे हमें कितना प्रोटेक्शन ये हमें दे पाएगी, ये सब बातें अभी टाइम पर आने वाले टाइम ही बताएगा इसके बारे में। लेकिन हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है प्रिवेंशन, और वो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ हमारे ही कंट्रोल में है। और उस प्रिवेंशन के लिए हमें सिर्फ तीन चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक तो जब भी आप घर से बाहर निकलें, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कैरी मास्क विद यू। कवर करिए अपने माउथ एंड नोज़ को प्रॉपरली विद द मास्क। ये बहुत बहुत और सबसे पहला फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट एक स्टेप है। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। कहीं भी आपको ऐसी जगह जाना पड़ता है, बैंक या मार्केट्स, जहां थोड़ी सी लोगों के ज़्यादा होने के चांसेस हैं, तो डिस्टेंस बना करके रखिए, अपनी टर्न का वेट कीजिए। एंड द थर्ड थिंग इज सैनिटाइजेशन। अपने हाथों को थोड़ी थोड़ी देर के बाद, भले ही आपने किसी भी सरफेस को टच नहीं किया है या आप कहीं बाहर नहीं गए हैं, बट फिर भी आप सोप से प्रॉपरली अपने हैंड्स को वॉश करिए। एंड इफ द सोप इज नॉट अवेलेबल, कैरी सैनिटाइजर विद यू, उसे अपने हाथों पर अच्छी तरह से रब करिए। सो ये तीन चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं, जिन्हें हम अपनी हैबिट्स में ही ले आएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। सो प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और अपने आप को सेफ करके रखिए। अब चलते हैं टॉपिक की ओर कि रिप्रोडक्शन है क्या, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। सबसे पहले बात शुरू होती है कि यहाँ हम दो बातें, आप अगर टाइटल को देखें, रिप्रोड्यूस एंड हाउ। हाउ पर जाने से पहले एक तो ये कि रिप्रोडक्शन क्या है, और एक क्वेश्चन और उठता है, व्हाई, क्यों करते हैं ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो सबसे पहले है कि रिप्रोडक्शन या प्रजनन क्या है। एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड, अपने जैसे और जीव पैदा करने की प्रक्रिया है प्रजनन। अब अपने जैसे और पैदा करते हैं तो क्या होता है, उससे उनकी स्पीशीज, उनके जैसे और ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पर बने रहते हैं। यानी कि अगर उनका लाइफ स्पैन तो लिमिटेड है, एक दिन दे विल डाई, बट उनकी डेथ के बाद भी उनके जैसे और ऑर्गेनिजम्स इस धरती पर रहेंगे। सो वाई का आंसर रहेगा कि क्यों करते हैं रिप्रोड्यूस, टू मेंटेन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ देयर स्पीशीज, टू मेंटेन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ देयर स्पीशीज। स्पीशीज आप समझते हैं अपनी प्रजाति की निरंतरता के लिए। स्पीशीज मीन्स प्रजाति। ह्यूमन बींग्स आर अ स्पीशीज, कैट्स आर अ डिफरेंट स्पीशीज, या प्लांट्स में अगर हम बात करें तो रोज प्लांट अलग स्पीशीज है, मैरीगोल्ड एक अलग स्पीशीज है, क्रॉप्स के हैं तो डिफरेंट क्रॉप्स, ये सब अलग अलग स्पीशीज हैं। इसके बारे में आप ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो किसी भी प्रजाति की निरंतरता के लिए ही जीव प्रजनन करते हैं, अपने जैसे और जीव पैदा करते हैं। Now tell me one question, कि क्या रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म के खुद के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, उसकी खुद उसके जीवन के लिए जरूरी है? नहीं, उसका जीवन जो है वो तो उसने जीना है, अपना लाइफ स्पैन उसने कंप्लीट करना है, एंड देन उसकी डेथ होगी किसी भी ऑर्गेनिज्म की। बट रिप्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज,
उस जैसे अब हम लोग बिकॉज सोशल बीइंग्स भी हैं तो हम उसे थोड़ा सा अपने वंश से जोड़ लेते हैं या अपने परिवार से जोड़ लेते हैं कि हमारे परिवार की कंटिन्यूटी रहेगी, थोड़ा इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव आ जाता है। बट ऑन द होल नेचर ने ये जो प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दिया है ये इसीलिए दिया है कि उनके जैसे और उनकी स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स इस धरती पर मेंटेन रहें, कंटिन्यू रहें और जो सारा फूड चेन, फूड वेब, इकोसिस्टम का बैलेंस है वो बना रहे। फाइन, सो अब हम चलेंगे कि होता क्या है रिप्रोडक्शन में, हाउ इट हैपन्स, क्या चीज होती है। तो सबसे पहली बात ये है कि आपने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा है, कोशिका की संरचना पढ़ी है। कोशिका में अंदर एक जो इसको हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर ये धागे जैसी संरचनाएं या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हम इसे क्रोमोसोम्स बोल सकते हैं या हिंदी में हम इन्हें गुणसूत्र भी कहते हैं। और इनमें पाया जाता है डीएनए। फाइन, डी रिकॉल करिए इसकी फुल फॉर्म बिकॉज ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसी को आप हिंदी में भी लिख सकते हैं एसिड की जगह, आप सिर्फ अम्ल शब्द का इस्तेमाल कर लेंगे। सो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए क्या है और ये डीएनए में क्या होता है। इस डीएनए में इंफॉर्मेशन होती है फीचर्स की, किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्या ट्रेट्स हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या बॉडी डिजाइन है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन डीएनए में होती है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। सो डीएनए में जो ये इंफॉर्मेशन है यही नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए क्या जरूरी है, इसके जैसी एक और कॉपी बनाना, और वो जो कॉपी बनेगी वो नेक्स्ट जनरेशन के इंडिविजुअल के न्यूक्लियस का पार्ट होगी जहां ये सारी इंफॉर्मेशन होगी कि बॉडी डिजाइन कैसा होगा, फीचर्स कैसे होंगे। तभी जो नया ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म, अपने जनक जीव के सिमिलर बॉडी डिजाइन का होता है। तो यहाँ जो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन है उसे अब कंप्लीट कैसे करेंगे, टू प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड, अपने जैसे का मतलब क्या है कि उनके बॉडी डिजाइन सिमिलर होंगे, जो शरीर की संरचना होगी, जो शरीर का पैटर्न होगा वो सिमिलर होगा। अब आपने, आप 10th क्लास में हैं, आपने मैथ्स में एक चैप्टर पढ़ा होगा कॉन्गुरेंसी, सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी में आप ये जानते हैं कि एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर है बट एग्जैक्टली उसके कॉन्गुरेंट नहीं है, उसके ऊपर वो ओवरलैप नहीं कर रहा है। सो ऐसे ही जो यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं उनका बॉडी डिजाइन अपने पेरेंट से सिमिलर है, मिलता जुलता है, बट एग्जैक्टली बिल्कुल सेम नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? सो डीएनए की कॉपी बनना, एक डीएनए कॉपिंग, ये एक बेसिक प्रोसेस है रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन एक बड़ा प्रोसेस है, उसका एक सब पार्ट है। द बेसिक पार्ट इज डीएनए की कॉपी बनना, क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन है बॉडी डिजाइन के बारे में। तभी यंग वंस का बॉडी डिजाइन अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म के जैसा होता है, मिलता जुलता होता है। लाइक अगर हम बात करें कि ह्यूमन बींग्स हैं, हम ह्यूमन बींग्स का बॉडी डिजाइन कैसा है कि वी हैव टू आईज, वन नोज, वन माउथ, टंग, टीथ स्ट्रक्चर है, दो हाथ, फोर लिम्स हैं, हैंड्स हैं जिनका इस्तेमाल हम चीजों को पकड़ने के लिए करते हैं, एंड दो हमारे हिंड लिम्स हैं, लेग्स, जो वॉकिंग के लिए यूज करते हैं। अब जो हमारे आगे ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन होती है, दे ऑल्सो हैव द सिमिलर बॉडी डिजाइन, उनके भी बॉडी पार्ट्स इसी तरह के हैं, फंक्शन उनके सिमिलर है, बट क्या वो एग्जैक्टली सिमिलर है? बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर, एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल सेम है, शक्ल एक जैसी, बिल्कुल हर फीचर एक जैसा, कॉम्प्लेक्शन, टेक्सचर, एवरीथिंग सेम, सारे बॉडी पार्ट जो है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएटली और करेक्टली एक सेम वे में फंक्शन कर रहे हैं। नहीं, आप सुपरफिशियली भी देखें तो बच्चे भी अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते जरूर होते हैं, किसी ना किसी के साथ हमारे फीचर्स मैच कर रहे होते हैं ज्यादा, जिसके बारे में आपने चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में पढ़ा था, लेकिन फिर भी डिफरेंट होता है। कहते हैं ना, दो ऑर्गेनिजम्स के जो अगर फिंगरप्रिंट्स लिए जाएं तो वो भी डिफरेंट होते हैं,
किसी भी कोई भी दो इंडिविजुअल ऐसे नहीं है जिनके फिंगरप्रिंट सेम हो, ये तो माइन्यूट लेवल पे जाकर के बात की जाती है। अगर हम अंदर के बॉडी पार्ट्स की बात करें, सुपरफिशियल फीचर्स की बात करें, तो सिमिलर दिखते हैं, अपीयर होता है कि जैसे सेम बॉडी डिजाइन के हैं, आपस में कुछ कुछ मिलजुल रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं होते। अब वो एग्जैक्टली सेम क्यों नहीं होते? सिमिलर बॉडी डिजाइन तो है बट एग्जैक्ट सिमिलैरिटी क्यों नहीं है? बिकॉज ये जो डीएनए की कॉपी बनती है, ये कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन है। इस डीएनए में प्रोटीन्स बनाने की इंफॉर्मेशन होती है कि नेक्स्ट जनरेशन में जिसकी जब ये कॉपी बनेगी तो वही इंफॉर्मेशन प्रोटीन्स बनाने की ट्रांसफर होगी नेक्स्ट वाली कॉपी में, नेक्स्ट जो जनरेशन में जाएगा। अब वो इंफॉर्मेशन कॉपी होते समय, डीएनए की कॉपी बनते समय केमिकल रिएक्शंस बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती। अब बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती तो कहीं ना कहीं कुछ माइन्यूट चेंजेस आ जाते हैं। डीएनए की कॉपी तो बनी बट देयर आर लिटिल डिफरेंसेस, और यही डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं वेरिएशन, कि नया वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो बॉडी डिजाइन में सिमिलर है बट एग्जैक्टली अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म जैसा सेम नहीं है, जिसे हम कहते हैं विविधता या विभिन्नता। विविधता, विविधता। सो ये वेरिएशन जो आते हैं, वेरिएशन तो आते ही आते हैं। अब बात ये उठती है कि रिप्रोडक्शन जो है वो दो टाइप का है। दो जो कॉपीज हैं उनमें से एक है असेक्सुअल, अलैंगिक, और एक है सेक्सुअल यानी कि लैंगिक। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आपने क्लास 8 में भी पढ़ा है रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। असेक्सुअल का मतलब है कि एक ही पेरेंट से न्यू जनरेशन का ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, ओनली वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड, वन ऑर्गेनिज्म इज रिक्वायर्ड। और सेक्सुअल का मतलब है कि टू ऑर्गेनिज्म्स आर रिक्वायर्ड ऑफ ऑपोजिट सेक्स, मेल एंड फीमेल, दो ऑर्गेनिज्म्स की जरूरत है, दो पेरेंट्स की जरूरत है। सेकेंड थिंग, जब यहाँ असेक्सुअल में डीएनए की कॉपी बनती है लेकिन कोई भी, क्योंकि दो ऑर्गेनिज्म नहीं है, एक सिंगल ही ऑर्गेनिज्म है, तो उसके ही सिंगल सेल में से डीएनए की कॉपी बन जाएगी, फिर सेल का स्ट्रक्चर की इन्फॉर्मेशन होगी, पूरा सेल कंप्लीट होगा या पूरी बॉडी कंप्लीट होगी उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे। सो दो ऑर्गेनिज्म ही नहीं है तो डीएनए के जुड़ने की बात ही नहीं उठती। तो असेक्सुअल में डीएनए का ज्वाइनिंग नहीं होती, डीएनए के फ्यूजन नहीं होता, जुड़ता नहीं है डीएनए। बट सेक्सुअल में क्योंकि दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं तो दोनों का डीएनए आपस में कंबाइन होता है, फाइन, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पहली बात तो जो असेक्सुअल कर रहे हैं उनमें डीएनए की कॉपी बन रही है, वो डीएनए की कॉपी बनना भी परफेक्ट प्रोसेस नहीं है, माइन्यूट वेरिएशंस वहां भी आ रहे हैं। बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं वहां तो दो अलग अलग डीएनए आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, तो आप सोचिए वेरिएशंस कितने ज्यादा आते होंगे। अगर हम अमीबा का ही एक नया अमीबा बनते हुए देखें तो हमें बिल्कुल सेम लगेगा, उसमें डिफरेंस ढूंढना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, बट स्टिल माइन्यूट लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमें वहां भी डिफरेंसेस दिखेंगे, फाइन। लेकिन अगर हम जैसे अपने आप को देखते हैं या कैट्स, डॉग्स, बफेलोज, काउज और इनको देखते हैं, तो जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले हैं उनमें आपको वेरिएशन सुपरफिशियली ही दिख जाएंगे। इवन हम भी बिल्कुल एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं होते, या हमारे बच्चे हमारे जैसे नहीं है देखने में ही, क्योंकि वेरिएशंस ज्यादा हैं बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड बिकॉज ऑफ द जॉइनिंग ऑफ टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ डीएनए, क्लियर। सेकंड, थर्ड जो डिफरेंस है इनमें, कि जो पेरेंट, जो न्यू जनरेशन का इंडिविजुअल है वो अपने पेरेंट से काफी एग्जैक्टली सिमिलर होता है, जैसे अभी मैंने अमीबा का एग्जाम्पल लिया। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू जनरेशन का इंडिविजुअल है, नई पीढ़ी का जो संतति है, संतति मीन संतान है, वो अपने जनक जीव से थोड़ी अलग दिखती है, एग्जैक्टली उसके सिमिलर नहीं होती, फाइन। सो ये तो दो टाइप के हमारे पास रिप्रोडक्शन है जिसमें वेरिएशन आने के चांसेस सेक्सुअल में ज्यादा हैं। सो ये वेरिएशंस जो हैं ये इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, नेचर ने ऐसा प्रोविजन क्यों किया, चलो रिप्रोडक्शन का प्रोविजन किया, इसकी व्यवस्था की कि हाँ स्पीशीज चलती रहे, कॉन्टिन्यू रहे, फिर वेरिएशंस क्यों लाने वाली, ऐसा सिस्टम क्यों बना दिया कि वेरिएशंस आते हैं। ऐसा इसलिए किया गया, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि सपोज करिए कि वेरिएशंस ना आ रहे होते और ये केमिकल रिएक्शंस एकदम परफेक्ट होती, डीएनए की कॉपी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बनती, तो क्या होता कि एक इकोसिस्टम,
में जिस तरह का ऑर्गेनिज्म रह सकता है, सपोज कोई बहुत ही हॉट स्प्रिंग है और वहाँ किसी तरह के बैक्टीरिया हैं, सो जो उसके आगे नेक्स्ट जनरेशन होती वो बैक्टीरिया भी हॉट स्प्रिंग में बड़े आराम से रह सकते हैं बिकॉज सिमिलर बॉडी डिजाइन है, ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी है। लेकिन कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस आ जाते हैं या कोई और इस तरह से चेंज होता है जो कि इंडिविजुअल्स के हाथ में नहीं है, एनवायरमेंट में इकोसिस्टम में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, टेम्परेचर का वो रेंज थोड़ा सा कम हो जाता है, अब वो उतना हॉट नहीं रहता स्प्रिंग, सो क्या होगा कि जो नेक्स्ट जनरेशन के इंडिविजुअल्स होंगे, जो नेक्स्ट जनरेशन के बैक्टीरियाज हैं, सपोज जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो उनमें थोड़े बहुत वेरिएशंस आए हुए होते हैं, किसी किसी में कुछ कुछ वेरिएशंस हैं, वो वेरिएशंस हो सकता है कि उन्हें कम टेम्परेचर पर भी जिंदा रखें। अब सपोज कि बॉडी डिजाइन और बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर, बिल्कुल एग्जैक्ट होता, सेम होता, तो जैसे ही टेम्परेचर में चेंजेस होते तो सारे मर जाते, सारे ही ऑर्गेनिज्म उस स्पीशीज के उस नाइके के खत्म हो जाते। नाइके मीन्स जो पारितंत्र का एक सब पार्ट होता है जहां कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, सो वो सारे खत्म हो जाते हैं। यानी कि कुछ अगर एनवायरनमेंट में कभी चेंजेस हों, कुछ ज्योग्राफिकल क्लाइमेटिक चेंजेस हों जो इंडिविजुअल्स के हाथ में नहीं होते, ऐसे चेंजेस में भी नए इंडिविजुअल सर्वाइव कर सकें, अडेप्ट हो जाए नए एटमॉस्फेयर के साथ। इसलिए वेरिएशन का कंसेप्ट नेचर ने दिया, वेरिएशन का प्रोविजन रखा कि ऑलमोस्ट बॉडी डिजाइन सिमिलर है, तो जिस तरह से जिस एटमॉस्फेयर में पेरेंट ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं वहां नए जनरेशन वाले इंडिविजुअल्स भी रह पाएंगे, वहां डॉटर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी रह, डॉटर बोल दिया जाता है आगे वालों को, बात उसका वहां इंग्लिश वाले मीनिंग पे मत जाइएगा कि सानिया डॉटर, अगर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो डॉटर सेल्स बोल दिया जाता है, तो वहां पर डॉटर ऑर्गेनिजम्स भी जो हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि वेरिएशन बहुत थोड़े से हैं, लेकिन वो वेरिएशंस उन्हें चेंजिंग एटमॉस्फेयर में जिंदा रख सकते हैं, तभी स्पीशीज कंटिन्यू होगी। तो स्पीशीज की कंटिन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन तो मस्ट है ही है, वेरिएशन भी उतनी ही इंपॉर्टेंस रखता है। दूसरा, वेरिएशंस का एक और इंपॉर्टेंस है, पहली बात तो ये कि कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज में इन द सिचुएशन ऑफ चेंजिंग एटमॉस्फेयर, ये जरूरी है कि सो दैट कि नए जो ऑर्गेनिज्म है वो अडैप्ट कर सके चेंजिंग चेंज एटमॉस्फेयर के साथ। दूसरा इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये वेरिएशन, चलो एटमॉस्फेयर चेंज नहीं हुआ, वेरिएशन आए, फिर नेक्स्ट जनरेशन और हुई उसमें कुछ वेरिएशन आए, फिर और हुई, तो कुछ वेरिएशन जो है वो कंटिन्यू भी हो रहे होंगे और कुछ नए भी ऐड ऑन हो रहे होंगे, तो जो कंटिन्यू हो रहे हैं वो वेरिएशंस हजारों लाखों सालों में आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स, वो वेरिएशंस कई बार उन ऑर्गेनिज्म उस स्पीशीज में इतने इकट्ठे हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं कि नई स्पीशीज तक बन जाती हैं। यानी कि कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म उस स्पीशीज में से निकल आते हैं जो उसके पेरेंट ऑर्गेनिजम्स के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। स्पीशीज की डेफिनेशन, प्रजाति की डेफिनेशन क्या कहती है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन ब्रीड विद ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ प्रजनन कर सकते हैं। आप सुनते हैं कि बंदर हमारे पूर्वज हैं, कहते हैं ना मंकीज आर अवर एंसेस्टर्स, हम लोग काफी सिमिलर हैं चिंपैंजीज के साथ, गोरिल्लास के साथ, लंगूर्स के साथ, मंकीज के साथ, ह्यूमन बींग्स क्यों, और बंदर हमारे इन सबके पूर्वज क्यों कहलाते हैं? क्योंकि कभी ना कभी एक ऐसी स्पीशीज रही है जिसमें से वेरिएशंस, कुछ वेरिएशंस ऐसे एक्युमुलेट हुए कि ह्यूमन बींग्स की अलग ब्रांच बन गई, अलग स्पीशीज बन गई, गोरिल्लास की अलग बन गई, चिंपैंजीज की अलग बन गई। सो नई स्पीशीज इवॉल्व कैसे होंगी? बिकॉज ऑफ वेरिएशंस, जिसके बारे में लेसन 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में बात की गई है कि इवोल्यूशन के लिए ही, के लिए भी वेरिएशन जरूरी है, नई प्रजातियों की उत्पत्ति के लिए विविधता जरूरी है। सो ये आज जो हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है, ये आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लेसन 8 है, और वर्कशीट की बात करें तो वर्कशीट 65 आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया जाएगा इन बोथ द मीडियम्स। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। नेम द लाइफ प्रोसेस विच एंश्योर्स दैट अ प्लांट और एनिमल स्पीशीज विल नॉट डिसअपियर फ्रॉम दिस अर्थ। ऐसा कौन सा प्रोसेस, ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो ये गारंटी देती है कि अर्थ से वो प्लांट या वो एनिमल की प्रजाति लुप्त नहीं होगी? द आंसर इज वेरी सिंपल, दैट इज रिप्रोडक्शन या प्रजनन। इसी से तो नए नए जीव बनेंगे उसके जैसे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन द रिप्रोडक्शन? प्रजनन में जो डीएनए की कॉपी बनती है उसका क्या महत्व है? डीएनए की कॉपी नहीं बनेगी तो नए डॉटर सेल के अंदर इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी सिमिलर बॉडी डिजाइन की?
बिकॉज डीएनए कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स, गुणों के स्थानांतरित होने की सूचना डीएनए में होती है, जिसकी वजह से जो नई पीढ़ी के जीव होते हैं उनका बॉडी डिजाइन, उनका शारीरिक संरचना अपने जनक जीव के, अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म से मिलती जुलती होती है, तभी तो वो उनके जैसे रहते हैं और सेम स्पीशीज के बने रहते हैं। Why is variation beneficial for the survival of species? Survival of individual नहीं, किसी भी प्रजाति की उत्तरजीविता, survival मतलब वो maintain रहे, continue रहे, उसके लिए variations या विविधता, विभिन्नता क्यों जरूरी है? अभी मैंने आपको दो reasons बताए इसके, एक तो कि नए organisms changing atmosphere में, बदलते हुए पर्यावरण में वो अपने आप को अनुकूल कर पाएं, उसके हिसाब से अनुकूलित हो जाएं, अडाप्टेड हो जाएं, और दूसरा नई नई प्रजातियां उत्पन्न हो सके, इवॉल्व हो सके, सो फॉर इवोल्यूशन एंड फॉर अडाप्टेशन इन न्यू चेंजिंग एटमॉस्फेयर। फाइन, दो हैं इसके मेन जो बेनिफिट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन रिप्रोडक्शन एंड इट्स टाइप। ये तो बेटा बहुत छोटा सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रिप्रोडक्शन क्या है? अपने जैसे और जीव पैदा करना, इंग्लिश में तो लिखी हुई है। आने इसकी टू टाइप, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल, लैंगिक और अलैंगिक। क्वेश्चन नंबर 5, इफ एन ऑर्गेनिज्म, अगर कोई जीव इज रिप्रोड्यूसिंग विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स वही होते हैं युग्मक, मेल एंड फीमेल, नर युग्मक, मादा युग्मक, तो उनकी फ्यूजन के, उनकी ज्वाइनिंग के बिना ही रिप्रोड्यूस कर रहा है, प्रजनन कर रहा है, तो वो किस टाइप का रिप्रोडक्शन शो कर रहा है? क्वेश्चन इतना लंबा, आंसर इज जस्ट अ सिंगल वर्ड। सोचिए इसका आंसर, मुझे नहीं लगता मुझे देने की जरूरत है। फ्यूजन नहीं हो रहा, डीएनए का फ्यूजन नहीं हो रहा, गैमेट्स नहीं मिल रहे, डीएनए नहीं मिल रहा, इट मीन्स एक ही पेरेंट काफी है रिप्रोडक्शन के लिए। दैट मीन्स आंसर इज, बस अब इशारा कर दिया, आप खुद देख लो। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। सेल के न्यूक्लियस में प्रोटीन्स बनाने की इंफॉर्मेशन कहाँ होती है? आपके सामने ही लिखा हुआ है कैपिटल लेटर्स में, मैंने यहां भी पॉइंट आउट कर दिया है, आंसर आप खुद समझिएगा। सो पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, अपनी हेल्थ का, अपने माइंड का, बिकॉज मेंटल हेल्थ इज इक्वली इंपॉर्टेंट, और मुझे लगता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कभी बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में चलती हैं कि मैं आप लोगों के साथ बात करूं, बट अभी हम जरा थ्योरी से थोड़ा फ्री हो लें, देन आई विल डेफिनेटली हैव अ टॉक विद यू। हम बहुत सारी और चीज़ों पर बात करेंगे जो आपकी पर्सनालिटी के लिए, आपको खुश रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सो लेट द टाइम अलाउ मी, फिर मिलते हैं अगली वर्कशीट, अगले वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।